लॉकडाउन के चलते लगातार पुराने सीरियल्स का रीटेलीकास्ट किया जा रहा है। जहां एक ओर हाल ही में रामानंद सागर की रामायण का रीटेलीकास्ट किया गया तो वहीं महाभारत का भी। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे रामायण में कुश का किरदार निभाने वाले स्वप्निल जोशी के बारे में। जी हाँ, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहे स्वप्निल जोशी। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की जहां एक ओर धूम मच जाती है तो वहीं यहां पर श्री कृष्ण के अवतार निभाने वाले सेलिब्रिटी भी लाइमलाइट में आ जाते हैं और ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है स्वप्निल जोशी के साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि टीवी पर इन्होंने कृष्ण का रोल निभाकर काफ़ी पॉपुलैरिटी बटोर ली थी, तो वहीं इन्होंने निभाया रामायण में कुश का किरदार। ये दोनों ही रोल बेहद ही पॉपुलर रहे। वहीं स्वप्निल जोशी को रियल लाइफ में भी फैंस भगवान समझ बैठते हैं। आपको बता दें स्वप्निल जोशी के बारे में, तो जब भी स्टेज पर स्वप्निल जोशी पहुंचते थे शोज करने के लिए तो स्वप्निल जोशी को भगवान समझ बैठते थे उनके फैंस। खबरों के मुताबिक यहां पर कहा जाता है कि एक पब्लिक इवेंट में उन्हें जमीन से स्टेज तक पहुँचने में 2 घंटे से ज़्यादा समय लग गया था। दरअसल स्वप्निल एक इवेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। जैसे ही स्वप्निल स्टेज की ओर आगे बढ़े तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया था और लोग उनके पैर छूकर पूजा करने लगे। यही कारण है कि स्टेज पर पहुंचते पहुंचते उन्हें 2 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। बता दें आपको, कृष्णा सीरियल के बाद लंबे समय तक स्वप्निल जोशी दूर भी रहे थे। इसी बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कम्प्लीट की थी। जी हाँ दोस्तों, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो 18 अक्टूबर 1977 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। वहीं BJPC इंस्टीट्यूशन एंड जूनियर कॉलेज चांदनी रोड मुंबई से इन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की थी। मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, तो वहीं स्वप्निल ने लॉ की डिग्री भी ली है। देखा जाए तो स्वप्निल एक वकील भी हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर उनकी शादी के बारे में, तो स्वप्निल जोशी ने साल 2005 में डेंटिस्ट अपर्णा जोशी से शादी की थी और ये लव मैरिज थी। लेकिन ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया। ये रिश्ता महज 4 साल तक ही चला और साल 2009 में इन दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद साल 2011 में स्वप्निल की लाइफ में एंट्री हुई लीना आराध्य की। जी हाँ, 2011 में ही इन्होंने शादी कर ली। आपको बता दें कि उनकी दूसरी पत्नी भी डेंटिस्ट हैं। वहीं अगर बात की जाए स्वप्निल जोशी के बच्चों के बारे में, तो स्वप्निल जोशी की एक बेटी है जिसका नाम है मायरा जोशी और एक बेटा है राघव जोशी। स्वप्निल मराठी सिनेमा में बेहद ही फेमस हैं और लगातार अपनी फिल्मों को लेकर लाइमलाइट में भी बने रहे हैं। स्वप्निल जोशी ने अब तक कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स में काम किया है। ये टीवी सीरियल्स हैं साल 1986 में आया लव कुश और साल 1993 में आया कृष्णा। इसके बाद अमानत, कहता है दिल, देश में निकला होगा चांद, हरे कांच की चूड़ियां, सजन रे झूठ मत बोलो, पापड़ पोल, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। ऐसे तमाम पॉपुलर टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं स्वप्निल। वहीं आपको ये भी बता दें कि मराठी फिल्मों में स्वप्निल जोशी को चॉकलेटी बॉय भी कहा जाता है। वेल दोस्तों, आपको स्वप्निल जोशी के बारे में जानकर कैसा लगा ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।